लगभग 90 साल पहले भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा रिलीज हुई थी। यूं तो भारत में फिल्म निर्माण साल 1913 में राजा हरीशचंद्र नाम की फिल्म बनने के साथ शुरू हो गया था, लेकिन साल 1931 के पहले तक भारत में सिर्फ मूक यानी गूंगी फिल्में ही बनती थी। 1931 में रिलीज हुई फिल्म आलमारा भारत की पहली बोलती फिल्म थी, जिसे अर्देशिर ईरानी ने डायरेक्ट किया था। किस्सा टीवी आज आपको भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा के बारे में कुछ बेहद दिलचस्प बातें बताएगा। किस्सा टीवी उम्मीद करता है कि आपको ये पेशकश जरूर पसंद आएगी। चूंकि आलमारा भारत की पहली बोलती फिल्म थी, तो इसी फिल्म से भारत को पहला प्लेबैक सिंगर मिला था, जिनका नाम था वजीर मोहम्मद खान। वजीर मोहम्मद खान ने आलमारा में एक्टिंग भी की थी। आलमारा का पहला गाना दे दे खुदा के नाम पे हिट रहा था। इस गीत को ही भारतीय सिनेमा का सबसे पहला गीत माना जाता है। आलमारा में कुल 8 गाने थे। आलमारा मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में रिलीज हुई थी। ये वो दौर था जब सिनेमा हॉल में फिल्में देखना भारत में हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन आलमारा को देखने के लिए मैजेस्टिक सिनेमा के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को आकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। पूरे 8 हफ्तों तक आलमारा मैजेस्टिक सिनेमा में टिकी रही। रणबीर कपूर के परदादा यानी पृथ्वीराज कपूर, जिन्हें भारत में थिएटर का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने भी आलमारा में काम किया था। इस फिल्म में काम करने से पहले पृथ्वीराज कपूर 9 फिल्मों में काम कर चुके थे। आलमारा एक पारसी नाटक पर आधारित थी। इस नाटक को जोसेफ डेविड ने लिखा था। कहा जाता है कि 1929 में आई अमेरिकी मोशन फिल्म शोबोट से आलमारा काफी प्रेरित थी। आलमारा में कुल 78 कलाकार थे। इन सभी कलाकारों ने पहली बार फिल्म के लिए अपनी आवाज को रिकॉर्ड कराया था। भले ही ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस फिल्म की एक भी कॉपी मौजूद नहीं है। इस फिल्म का एक भी प्रिंट नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के पास नहीं है। तो साथियों, किस्सा टीवी की स्पेशल पेशकश आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार फिल्मी कहानियां देखने के लिए व फिल्मी कलाकारों की जिंदगी की कहानी जानने के लिए किस्सा टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।